हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मायसेल्फ जितेंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी इन तक्षशिला इंस्टीट्यूट। सर हमारे दिवाकर सर हैं, दिवाकर प्रकाश गहलोत सर हैं हमारे। ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं कालूसराय में, तक्षशिला ब्रांच है कालूसराय में, उसके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आज आप आए टाइम निकाल के, थैंक यू सर। तो सर आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम। यस सर, बच्चों के लिए बहुत फायदे वाली चीज है। हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम, कि नीट एग्जाम कैसे क्रैक करा जाता है। सर अगर हम यहाँ पे बात करें अपनी जी, छोटी सी यहाँ पे हल्का सा अगर हम यहाँ टेबल बना लें, तो सर कितने कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों को बता दिया जाए? केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होते हैं सर, बोलिए सर। राइट सर। फिजिक्स में सर 45 क्वेश्चन, और पूरी बायो, बायो बॉटनी प्लस जूलॉजी मिला के 90 तो टोटल हो गए सर हमारे पास कितने? 180 क्वेश्चंस हमारे पास ये नीट के अंदर आते हैं। केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 45, बायो में बॉटनी प्लस जूलॉजी के 45 टोटल आते हैं 180 क्वेश्चन जी। तो सबसे पहले तो बात आते हैं कि पेपर कैसे करना चाहिए। दिवाकर सर मैं चाहूंगा आप थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, नीट का थोड़ा, तो आप, मैं जानना चाहूंगा कि सपोज ये जैसे हमारा तक्षशिला का पैकेज है ये जी, ठीक है, तक्षशिला का पैकेज अपने आप में बहुत अच्छे हैं सर, नो डाउट। तो सर आप मुझे बताइए, सपोज हम इसको यहाँ मान लेते हैं नीट का एक बुकलेट है, नीट एग्जाम की बुकलेट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये आपको पेपर मिला, आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे कर देंगे? पहले फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आप कैसे करेंगे पेपर? सर देखिए, मेरा तो स्टार्टिंग से जो फिजिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अच्छा, हाँ मेरा सुना भी है, आज ही आप फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं। हाँ, एक बार टीचर अवेलेबल नहीं था, सर ने ले लिए थे। उसके बाद मैं सर बॉटनी और जूलॉजी पे जाऊंगा, बायो में जाएंगे, उसके बाद आखिरी में केमिस्ट्री में। ठीक है ठीक है, क्योंकि आपने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था। अब किसी बच्चे का बायो स्ट्रॉन्ग है तो वो पहले कैसे करेगा सर? पहले बायो करेगा वो? सबसे पहले बायो करेगा, बायो के बाद वो केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है, पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे, पहले एक सब्जेक्ट को एक बारी में देखेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। लेकिन सर मेरा परसेप्शन थोड़ा सा अलग है इसमें, हाँ जी, आप जानना चाहेंगे थोड़ा? बिल्कुल सर। तो सर मैं चाहूंगा बच्चे भी जानना चाहेंगे। सर आइए हम इसमें बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कट ऑफ की बात कर लेते हैं सर। 720 मार्क्स है टोटल, ये 180 क्वेश्चन चार नंबर के होते हैं, टोटल 720 मार्क्स का है, जिसमें -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। तो सर आपके हिसाब से, सिर्फ दिल्ली नहीं, यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऑल ओवर इंडिया के लिए बता रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर? 500, 600 ठीक है सर, तो 600 हम मान के चलते हैं कट ऑफ है हमारे पास। ठीक है बेटा, दिवाकर सर ने एकदम सही कहा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी अराउंड 600, 10-20 नंबर ऊपर और नीचे हर साल चलता रहता है, लेकिन ये फिक्स क्या है, कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, क्योंकि चार नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए? 150 क्वेश्चन, बोलिए सर। राइट सर, आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए? 150 क्वेश्चन। तो सर मैं यहाँ ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हम काफी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है सर, तो हम ऐसा सोचते हैं यहाँ पे कि 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए
जिनका बच्चों को ऑप्शंस याद हैं, जो कि बच्चा देखते ही मार्क करे। देखो सर, आप मुझे देंगे, सपोज ये नीट का पेपर है, वैसे तो तक्षशिला पैकेज है, सपोज ये नीट का पेपर है, इसको पढ़ के ही आपका नीट होगा, वो बात अलग है। तो अगर मेरे पास ये नीट का पेपर है बच्चों, तो मैं चाहूंगा कि ये पूरा पेपर, ऐसे पूरा पेपर एक बार मेरे हाथ से निकल जाए और जो जो ऑप्शन आते रहे, जो जो ऑप्शन आते रहे, मुझे दिखते रहे, उस पर मैं मार्क करता रहूं। तो सर ये 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इनके मुझे ऑप्शंस भी याद होंगे पूरे 180 क्वेश्चन में। हार्डली बताओ सर कितना टाइम लगेगा 30 से 40 क्वेश्चन जिनके ऑप्शन याद है? 15 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेगा। मान लो सर 30 क्वेश्चन बच्चे ने कर लिए जी, मैक्सिमम कितना मिनट लगा? 15 मिनट। 30 क्वेश्चन हो गए, अब 150 में से 30 हो गए, बच्चे कितने हमारे पास? 120 क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री, बायो और क्या फिजिक्स, जब ये एक बार निकल गया हमारा 15 मिनट में करने के बाद, अब आप उठाइए कोई भी सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग है। सपोज क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री का उठाता हूं। सर मैं गारंटी देता हूं, मेरे से पढ़ने के बाद लास्ट ईयर भी आपको मिला होगा फीडबैक कि 20 मिनट में केमिस्ट्री पेपर हो गया, 25 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर हो गया। वो हमारा कार्तिक था, अंकुर था, जो मौलाना आजाद ने बताया था उसमें, ठीक है ना सर? तो ये जो है 25 क्वेश्चन मैं सर कितने मिनट में करवा दूंगा? 25 तो नहीं, थोड़ा ज्यादा हम ले लेते हैं बच्चों के लिए, अगर केमिस्ट्री में दिक्कत है तो अच्छा है केमिस्ट्री तो बच्चे का। तो ये लगाओ आप सर इसके अंदर 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सर? 30 क्वेश्चन मैं बच्चे को 25 मिनट में करवा दूंगा। कितने मिनट में सर? 25 मिनट में 30 क्वेश्चन मैं बच्चे को करवा दूंगा। और सर बायो की क्या गारंटी है? बायो में आता है तो उसमें सोचना जरूरत नहीं पड़ता, उसमें तो सीधा क्या करते हैं बच्चे? मार्क करते रहते हैं, और बायो मैक्सिमम हो भी जाती है नीट वालों से। तो सर यहाँ पे आप लगा के चलिए करीबन करीबन 60 से 70 क्वेश्चन बच्चा मेरे हिसाब से 50 मिनट में कर देगा। बोलो सर हाँ या ना? बायो के सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें सिर्फ याद होते हैं और हमें मार्क करने होते हैं। तो देखिए सर 150 में से कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 30 30 60 60 और 70 कितने हो गए सर? 130 हो गए। टाइम कितना बचा? टाइम कितना हो गया? 15 मिनट, 25 मिनट और 50 मिनट, 90 मिनट। यानी इसका मतलब 130 क्वेश्चन बच्चे ने कितने मिनट में कर लिए? 90 मिनट में। और करने कितने उसको? 150 क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात? ये तरीका इंपॉर्टेंट था। करने कितने हैं उसको? 150। अब सर बचे कितने क्वेश्चन हमारे पास? टोटल 20 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स के बचे, और बच्चे को मिल गया कितना टाइम सर? 1.5 घंटा 1.5 आवर। बच्चा 90 मिनट में आराम से 20 से 30 क्वेश्चन कर सकता है, पेपर रिवाइज कर सकता है, ओएमआर शीट मार्क कर सर अपने भर सकता है, तो हर चीज इजीली कर सकता है। लेकिन उसको ये 30 से 40 क्वेश्चन जो है ये याद होने चाहिए। Okay. अब आप मेरे से पूछना चाहेंगे सर ये ये पॉसिबल है केमिस्ट्री में? अरे सर आपको बताया था अंकुर ने क्या कहा? नहीं सर, पॉसिबल है ये 1001% बच्चों को पॉसिबल है सर ये। और सर ये भी बहुत क्या है? पॉसिबल है। अगर सर ये पॉसिबल है तो आप जरूर बच्चों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेहनत करनी है इन 30 से 40 क्वेश्चन में। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ लेकिन मैं बायो का ही बता रहा हूँ। बायो में भी सर क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इसलिए आपको थोड़ा नहीं पता। बायो में भी क्या है? पॉसिबल। सर अगर ये पॉसिबल है तो जरूर शेयर कीजिए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सर ये 30 से 40 क्वेश्चन जो है ये 15 मिनट में, ये आपको बहुत जरूरी करने हैं। ये कैसे करेंगे? जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग सेंटर के बुकलेट्स हैं, फिर उनकी डीपीपीज हैं, फिर उनके टेस्ट हैं, फिर स्कूल के टेस्ट हैं। तो आप देखते होंगे एक चैप्टर पे आपने एक बार असाइनमेंट करी, फिर दूसरी किताब से दूसरी बार असाइनमेंट करी, कोचिंग वाली किताब से फिर उसके असाइनमेंट करी। तो देखते होंगे जब एक चैप्टर की आप पांचवी असाइनमेंट करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है, वो उसी से ही स्पीड बनती है। घबराना नहीं है,
एक बार पेपर करने की कोशिश करोगे, एक बार ऐसे पेपर करने की कोशिश करोगे, पूरा देखोगे चार ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगली बार 8 मिलेंगे, उसके अगली बार 20 मिलेंगे, और एक दिन आएगा कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे इस नीट के पेपर के अंदर होंगे जो आप क्या होंगे, आपको आते होंगे। ठीक है सर, तो कैसा लगा सर आपको हमारा ये? काफी बेनिफिशियल है सर स्टूडेंट्स के लिए, पर सर आपका नाम भी काफी है। नहीं, 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 नहीं। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा इस पे, और मेरे कहने पे, जितेंद्र गुप्ता के कहने पे, एक बार तक्षशिला इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसको ट्राई करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, ठीक रहो, गुड लक।